जय हिंद। कैसे आप सब? मेरे हिसाब से ही होंगे। अमेजन प्राइम डे सेल और फ्लिपकार्ट गोट सेल बस स्टार्ट होने ही वाला है, कुछ समय बाकी है। बाकी कौन सा लैपटॉप लेना है, कौन सा नहीं लेना है, सब पे हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल बात करने वाले हैं। बाकी एक और बात देखो, मैंने आप सभी को मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया था, आप सबका मैसेज आ रहा था। मैं बोल सकता हूँ कि हर एक घंटा कम से कम 100-200 लोग का मैसेज आ रहा था और मैं सबको रिप्लाई दे रहा था। बाकी अभी के टाइम में व्हाट्सअप को ऐसा लग रहा है कि भैया हम स्पैम हैं, क्योंकि इतना अधिक मैसेज कैसे आ सकता अचानक से। तो उन्होंने मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, बाकी मैंने क्वेरी रेस कर दिया है। तो अभी के लिए मेरा व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड है। तो आपका जो भी बजट है, जो भी क्वेरी है ना, आप मेरे टेलीग्राम नंबर जो कि स्क्रीन पर है उस पर मैसेज करो, या फिर मेरे इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हो। या तो इंस्टा पे आकर कॉन्टेक्ट करो, या तो टेलीग्राम पे, नंबर आपके स्क्रीन पे है, या फिर इंस्टा आईडी का जो हैंडल है वो आपके स्क्रीन पे है। बस मैसेज कर दो बजट और पर्पस लिख के। बाकी आज हम बात करने वाले हैं 40K से लेके 80K में कौन कौन सा गेमिंग लैपटॉप सबसे बढ़िया है। बाकी हर एक लैपटॉप का ट्रस्टेड सेलर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। देखो फ्लिपकार्ट का गोट सेल आज रात से स्टार्ट हो जाएगा, बाकी अमेजन का जो सेल है ना वो अभी से ही स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपका बजट है 45K के आसपास तो आप लेनोवो का ये लैपटॉप को देख सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है 45K के हिसाब से। देखो ये जो लैपटॉप है ना, जो इसका स्पेसिफिकेशन वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि लैपटॉप में एक एच लेवल का सीपीयू है एएमडी का राइजन 5 55 H, और लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड भी है। तो इस बजट को देखते हुए, 45 के जो बजट है उसको देखते हुए ये लैपटॉप अपने आप को जस्टिफाई कर देता है, आप ये लैपटॉप बाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी प्राइस मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो सब सेल का प्राइस है, ठीक है? सेल में वही प्राइस होने वाला है, बाकी कार्ड ऑफर लगाओगे तो लैपटॉप प्राइस और ज्यादा कम हो जाएगा। बाकी 45K में लेनोवो का ये जो लैपटॉप है ना, लेनोवो थिंकपैड गेमिंग 3 राइजन 5 का 5500H, ये सही है, आप इसको देख सकते हो। बाकी अगर आपका बजट है 50K के आसपास तो वहां पे आप HP का ये लैपटॉप देख सकते हो जिसका नाम है HP Victus। बाकी लैपटॉप में Ryzen 5 का 5600H का CPU है और यहाँ पे AMD का ही ग्राफिक कार्ड है, 4GB का Radeon RX 6500M। बाकी लैपटॉप में जो स्पेसिफिकेशन है वो सही ही है, Ryzen 5 5600H का CPU है और Radeon ग्राफिक का RX 6500M। बाकी इस प्राइस को देखते हुए ये लैपटॉप अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है तो आप इसको देख सकते हो। बाकी इसी बजट के आसपास में ASUS का भी एक लैपटॉप है जिसका नाम है ASUS TUF Gaming F15। इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। देखो ये जो लैपटॉप है ना, ये भी अपने प्राइस को हल्का फुल्का जस्टिफाई कर रहा है। मेरे हिसाब से इसका प्राइस और कम होना चाहिए था। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनका क्वेरी ये लैपटॉप रिलेटेड था। देखो ये जो लैपटॉप है ये भी सही ही है, i5 का 11 जन का CPU है और यहाँ पे NVIDIA का RTX 2050 ग्राफिक कार्ड है। ये फुल वाट TGP पे है, 70 वाट TGP है। बाकी लैपटॉप में RGB कीबोर्ड है, तो आप इस प्राइस में ये लैपटॉप देख सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा अधिक हो जाता है। बाकी इसके बाद जो लैपटॉप है वो भी ASUS का ही है जिसका नाम है ASUS Creator Series का ये लैपटॉप है, Vivo Foreign X। देखो ये जो लैपटॉप है ना, मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका बजट है अंडर 55K, अगर आप हो एक ऑफिस वर्कर, एक स्टूडेंट हो, तो आप ये लैपटॉप खरीदो। क्योंकि ये जो लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप हल्का भी है और पावरफुल भी है और इसमें बैटरी बैकअप भी अच्छा है GPU होने के बावजूद भी। देखो ये जो लैपटॉप है ना, इसके अंदर एक पावरफुल CPU है, इंटेल का i5 का 12 जन का CPU। बाकी लैपटॉप जो डिस्प्ले है वह 14 इंच का OLED डिस्प्ले है, 90Hz का डिस्प्ले है। बाकी लैपटॉप में 16GB की रैम है, तो रैम का एक्सपेंड नहीं करना होगा। 512GB का SSD है और RTX 2050 ग्राफिक कार्ड है जो कि 50W TGP के साथ आता है। बाकी लैपटॉप में विंडोज 11 होम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी लैपटॉप में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, बैकलाइट कीबोर्ड भी है और 63 वाट आवर का बैटरी है। और लैपटॉप का जो वेट है वो है बस 1.4 kg का। तो ये लैपटॉप बनता है एक पावरफुल लैपटॉप, हल्का लैपटॉप, अच्छा बैटरी बैकअप वाला लैपटॉप और अच्छा डिस्प्ले वाला लैपटॉप। OLED सुपर डिस्प्ले अच्छा है नहीं तो आप ये लैपटॉप को आंख बंद कर खरीद सकते हो। बाकी हर एक लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और जब भी आप लैपटॉप ऑनलाइन बाई कर रहे हो ना, तो जेन्युइन सेलर से ही लैपटॉप बाई करना, ऐसे वैसे सेलर से लैपटॉप बाई मत करना। कहीं पे देखोगे यही लैपटॉप बिक रहा है आपका 40,000 का, तो उससे बाई मत करना, ठीक है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसी तरह से बात है। बाकी इसको जो लैपटॉप है वो भी ASUS का ही है जिसका नाम है ASUS Vivo Pro 15 OLED। देखो ये जो लैपटॉप है ना, इसमें ये जो लैपटॉप ये 15.6 इंच का लैपटॉप है और ये जो लैपटॉप था ये 14 इंच का है। अपने हिसाब से स्क्रीन साइज आप देख लेना। बाकी अगर आप कंफ्यूज हैं कि 14 इंच अच्छा होता है या फिर 15.6 इंच, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप बस यूट्यूब पर सर्च करो और मेरा वीडियो सबसे पहले आ जाएगा यूट्यूब पे। बाकी ये जो लैपटॉप है ना, ये भी सही है। इस लैपटॉप में आपको मिलता है NVIDIA का RTX 3050 ग्राफिक कार्ड। बाकी लैपटॉप में जो CPU है वह है Ryzen 5 का 5600H। लैपटॉप में 15.6 इंच का OLED डिस्प्ले है
बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी बढ़िया ही है, सेम वही लैपटॉप के जैसे ये लैपटॉप है, अधिकतर स्पेसिफिकेशन सेम ही है। तो आप ये लैपटॉप को भी देख सकते हो, अगर आपका बजट है 55,000 रुपए के आसपास तो आप ये लैपटॉप देख सकते हो। अगर कार्ड ऑफर लगाओगे तो ये जो प्राइस है ना ये और कम हो जाएगा। बाकी इस पर जो लैपटॉप है वो है आपका एचपी का लैपटॉप, एचपी विक्टस। देखो ये लैपटॉप डिमांड बहुत ही अधिक है, लैपटॉप में राइजन 5 का 5600H का सीपीयू है और बाकी जो ग्राफिक कार्ड है वो है एनवीडिया का 4GB का RTX 3050 ग्राफिक कार्ड जिसका TGP है 75W। बाकी लैपटॉप में 15.6 इंच का IPS एंटी ग्लेयर पैनल है, 144Hz का लैपटॉप में 8GB की रैम है, 512GB का SSD है, बैकलाइट कीबोर्ड है और MS Office भी है और इसका वेट है 2.37 kg। बहुत से लोग हैं जिनको HP का ही लैपटॉप लेना है गेमिंग लैपटॉप में, तो आप HP Victus देख सकते हो, अंडर 60K में ये बेस्ट है, आप इसको बाई कर सकते हो। बाकी इसका जो लैपटॉप है इसका डिमांड बहुत ही अधिक है, जिसका नाम है Lenovo Lock। देखो बहुत से लोग हैं जो कि लॉक के लिए बैठे हुए हैं और उनको ये दिक्कत आ रहा है ना कि भैया इसका मदरबोर्ड खराब हो जाता है। देखो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये लैपटॉप बाई किया, आज तक किसी का मदरबोर्ड खराब नहीं हुआ है, क्योंकि किसी का कंप्लेन नहीं आया है। तो अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो, लैपटॉप में एक अच्छा सीपीयू है, यहाँ पे इंटेल का i5 का 12 Gen का HX लेवल का सीपीयू है, ये H से ऊपर होता है, HX जो होता है ना वो H से ऊपर लेवल का सीपीयू है, इसका TDP हाई होता है। बाकी लैपटॉप में 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है, ये 144Hz का पैनल है, बाकी लैपटॉप का जो डिस्प्ले है ना वो 100% sIGB है। तो अगर आप काम करते हो लाइक फोटोशॉप चलाते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, तो कलर बढ़िया दिखेगा, कलर एक्यूरेसी अधिक होगा। बाकी लैपटॉप में 12GB की रैम है, 512GB का SSD है और NVIDIA का RTX 2050 ग्राफिक कार्ड है, ये शायद फुल 8GB पे है। बाकी आप ये लैपटॉप देख सकते हैं, इसका प्राइस है 55,990 रुपये, मेरे हिसाब से सही है, आप इसको देख सकते हो। बाकी इसको जो लैपटॉप है वो है आपका Lenovo का लैपटॉप, मेरे हिसाब से 60K के बजट में ये एक बहुत ही पावरफुल लैपटॉप है, क्योंकि ये जो CPU है ना Ryzen 7 का 6800H, ये एक बहुत ही पावरफुल CPU है। ये CPU में आप इजली हैबिट से हैबिट टास्क इजली कर सकते हो। बाकी लैपटॉप में 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है, 120Hz का, बाकी लैपटॉप में 8GB की DDR5 रैम है, 512GB का SSD है, विंडोज 11 है, MS Office है और यहाँ पे NVIDIA का RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है जो कि 85W TGP पे आता है। बाकी लैपटॉप में RGB कीबोर्ड भी है, इसका अभी का प्राइस है 62,990, शायद जब सेल स्टार्ट होगा तब शायद इसका प्राइस कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस अभी फाइनल नहीं है। मेरे हिसाब से जब सेल स्टार्ट होगा तब इसका प्राइस होगा अंडर 60K, आप अंडर 60K में ये लैपटॉप देख सकते हो। बाकी हर एक लैपटॉप का जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपके इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसका जो लैपटॉप है वो है आपका Lenovo का लैपटॉप Lenovo Lock, सेम स्पेसिफिकेशन से पहले वाला जैसा, बस यहाँ पे RTX 3050 है और ये 6GB का VRAM के साथ आता है और ये फुल 8GB वाला है। बाकी 65,990 में आप ये लैपटॉप को देख सकते हो, अपने प्राइस को जस्टिफाई कर ऐसी ऐसा बात है, क्योंकि लैपटॉप में जो CPU है वो भी पावरफुल है, HX लेवल का CPU है, बाकी डिस्प्ले भी अच्छा है, यहाँ पे 16GB की DDR5 रैम है, 512GB का SSD है और MS Office 2021 का वेरियंट भी है, तो आप इसको देख सकते हो 65,990 में, ये भी लैपटॉप सही है, आप इसको बाई करने सोच सकते हो। बाकी इसको जो लैपटॉप है वो Acer का लैपटॉप है जिसका नाम है Acer Nitro V। ये जो लैपटॉप है ना इसमें इंटेल का i5 का 13 Gen का CPU है और 6GB का VRAM वाला NVIDIA का RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है। बाकी लैपटॉप के जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम ही है, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है 144Hz का डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले है, 16GB की DDR5 रैम है और 512GB का SSD है, यहाँ पे MS Office नहीं है। बाकी 65,990 में आप ये लैपटॉप को भी देख सकते हो, अगर आपको चाहिए i5 का 13 Gen और 6GB का VRAM वाला RTX 3050 ग्राफिक कार्ड तो आप ये लैपटॉप को देख सकते हो। बाकी मेरे बहुत से फ्रेंड हैं जिन्होंने ये लैपटॉप बाई किया है और सबका लैपटॉप सही चल रहा है, ठीक है। बाकी कार्ड ऑफर लगाओगे तो ये लैपटॉप और सस्ता हो जाता है। बाकी इसको हम बात करते हैं HP के लैपटॉप पे जिसका नाम है HP Victus। देखो HP में Victus कमाल कर चुका है, हर एक बजट में Victus का एक मॉडल तो है ही, और अगर आपका बजट है 80K के आसपास ना तो वहां पे आप देख सकते हो ये लैपटॉप। ये जो लैपटॉप है इसमें i5 का 13 Gen का CPU है और यहाँ पे 6GB की NVIDIA के RTX 4050 ग्राफिक कार्ड है। बाकी लैपटॉप में 15.6 इंच का पैनल है, 144Hz का पैनल है, 16GB की DDR4 रैम है। ये DDR4 यहाँ पे क्या कर रहा है मुझको पता नहीं, पर क्या ही बोले, HP का है तो कुछ भी हो सकता है। बाकी लैपटॉप में 512GB का SSD है, बैकलाइट कीबोर्ड है, MS Office होगा। बाकी 80,000 रुपये इसका प्राइस है, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से कम से कम DDR5 का होना चाहिए था यहाँ पे। बाकी यहाँ पे Lenovo का भी एक लैपटॉप है जिसका नाम है Lenovo Lock,
सेम स्पेसिफिकेशंस, बस कुछ चीज चेंज होती है यहाँ पे। जैसे कि लैपटॉप में आपको मिलता है इंटेल का i5 का 13 जन का सीपीयू HX लेवल का। बाकी लैपटॉप में जो डिस्प्ले है वो है 15.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर पैनल है 144 हर्ट्ज का, और यहाँ पे 300 निट्स की ब्राइटनेस है। 16 GB का DDR5 रैम है, 512 GB का SSD है, एनवीडिया का RTX 4050 ग्राफिक कार्ड है, 6 GB वाला वेरियंट। बाकी लैपटॉप में MS Office 2021 का वेरियंट है और इसका वेट है 2.4 kg। मेरे हिसाब से 80K के बजट में ये भी लैपटॉप अच्छा है, आप इसको बाई करने का सोच सकते हो। बाकी यहाँ तक मैंने आपको वो सभी लैपटॉप बता दिया हूँ जो कि 40K से लेके 80K में गेमिंग लैपटॉप में बेस्ट है, जो कि डिमांड में है। बाकी इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है ना, तो मेरे टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करो या फिर आप मेरे इंस्टा आईडी पे आके मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का जो नंबर है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, बस उस पर बजट और पर्पस लिख के मैसेज कर दो, या फिर इंस्टा आईडी पे भी बस बजट और पर्पस लिख के मैसेज कर दो। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो हम किस बनाए ये कमेंट करके बता देना।